हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशी तन्नी। तो आज हम आपको अपनी साइंस प्रोजेक्ट फाइल दिखा रहे हैं। इसे हर्बेरियम फाइल भी बोलते हैं। इसमें हमने काफ़ी तरह के फूल और पत्तियों का कलेक्शन किया है जो हम आज आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस फाइल को तैयार करने का प्रोसेस बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें जिस भी तरह के फूल और पत्तियों को अपनी फाइल में लगाना है, हम सबसे पहले उन्हें तोड़ कर लाते हैं। फिर पत्तियों को तोड़ने के बाद हम कोई पुरानी बुक या नोटबुक लेंगे और उसमें अपनी एक तरह की पत्ती हम रखेंगे। तो वो हमें किस तरह से रखनी है, जैसे हमने चार पेज का गैप दिया, फिर अपनी पीपल की पत्ती रख ली, फिर हम चार पेज का गैप देंगे, फिर उसमें दूसरी तरह की पत्ती या फूल रखेंगे, फिर चार पेज का, यानी कि हमें चार चार पेज का या पाँच पाँच पेज का बीच में गैप देना है। अब हम इस बुक को 10 से 15 दिन के लिए रख देंगे। फिर हम 15 दिन के बाद चेक करेंगे तो हमारी फूल और पत्तियाँ सूख जाती हैं। अब जब हमारी पत्तियाँ सूख जाती हैं तो हम इन्हें अपने फाइल के पेज पर पेस्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, इन्हें काफ़ी आराम से लगाना है क्योंकि सूखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं। मैंने तो यहाँ पर एक पेज पर 2-3 तरह की लगाई हैं। अगर आप चाहो तो एक पेज पर एक तरह की फूल और पत्ती लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपनी हर्बेरियम फाइल दिखाती हूँ। तो हमने इन पेजेस को फाइल में से हटाकर इस प्लास्टिक बैग में रख लिया है ताकि ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने ये गेंदा के फूल को चिपकाया है और ये गेंदा की पत्तियाँ, यहाँ पर हमने पीपल की पत्ती को लगाया है और ये पीले कनेर के फूल और उसकी पत्तियाँ, तगर का फूल, तगर की पत्तियाँ, सफ़ेद कनेर का फूल, सफ़ेद कनेर की पत्तियाँ, गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियाँ, गुड़हल का फूल, गुड़हल की पत्तियाँ, लाल कनेर का फूल, लाल कनेर की पत्तियाँ, नीला कनेर और नीले कनेर की पत्तियाँ, बड़ की पत्ती, लाल बादशाह की पत्ती, नीम की पत्ती, गुलदाउदी की पत्ती, सदाबहार की पत्ती, चमेली की पत्तियाँ और बेलपत्र। आई होप यू लाइक इट, यू एंजॉय इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।